हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ड्रेंस यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दो वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें यहाँ पे टोटली फ्री एजुकेशन मिलती है मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान आपकी बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटर और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो पहले हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे जाए वापस से रिकेप कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या थी और कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था स्टार्ट so करते हैं हम अपने रिकेप से कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या था आज और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है तो जिनको भी ये डिफिकल्ट लगता है आज मैम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली है कि क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मैंने इसका सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर आपको ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स में आए तो आप इजीली आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो सो so स्टार्ट करते हैं हम किससे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अब क्या होता था अब स्टूडेंट्स हमारा जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है वो रहता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो यहां मैं बना देती हूँ स्ट्रैंडेड डीएनए एंड मुझे पता है कि मेरा डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से कैसे होता है वो एक दूसरे से रहते हैं एंटी पैरेलल तो अगर अगर मेरा ये वाला साइड थ्री प्राइम है तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा होगा फाइव प्राइम ये अगर फाइव प्राइम है तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा होगा ये वाला स्ट्रैंड होगा थ्री प्राइम इतना क्लियर है आपको चलो अब हमने देखा था कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए हमें चाहिए प्रमोटर एरिया ठीक है तो यहां पे मैं बना देती हूं प्रमोटर एरिया ये रहा मेरा प्रमोटर एरिया आ जाओ लिख देते हैं यहाँ पे प्रमोटर यहां पे मुझे पता है कि मेरा डीएनए कैसा है मेरा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ठीक है तो जो एंजाइम यहां आएगा वो क्या है मेरा वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज तो यहां आ गया मेरा डीएनए पॉलीमरेज अब डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ट्रांसक्रिप्शन कराना ठीक है 5 प्राइम से 3 प्राइम और क्या कराता है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता है तो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या कराया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा दिए हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ठीक है अब बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको किसकी जरूरत होती है तो उसको जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो है हेलीकेस तो ज एंड प्राइमेज सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारा primase. Primase के बिना वो नहीं करवा पाता डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमेज की बहुत नीड होती है क्योंकि वो थ्री डैश थ्री प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं करवा पाता जब तक प्राइमेज नहीं आएगा इतना क्लियर है अब आ जाओ अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम हमें चाहिए वो कौन सा है तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम चाहिए वो है हमारा आर एन ए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम? आर एन ए पॉलीमरेज तो यहां मैं लिख देती हूं आर एन ए पॉलीमरेज अब आर एन ए पॉलीमरेज यू में कैसा होता है आरएनए पॉलीमरेज वन बनाएगा मेरा राइबोसोमल आरएनए आरएनए पॉलीमरेज टू बनाएगा मेरा मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज थ्री बनाएगा ट्रांसफर आरएनए लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज को बस इतना पता है कि भैया तुम्हें राइबोसोमल आरएनए बनाना है मैसेंजर आरएनए बनाना है ट्रांसफर आरएनए बनाना है कोई स्पेसिफिक पॉलीमरेज नहीं है उनके पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आरएनए पॉलीमरेज आ गया अब क्या होगा अब जो एंजाइम अब जो एंजाइम इस आरएनए पॉलीमरेज को साथ आके जोड़ेगा वो क्या है वो है वो एंजाइम नहीं वो फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके जोडेगा वो है मेरा सिग्मा फैक्टर क्या है सिग्मा फैक्टर अब सिग्मा फैक्टर आके हमारे पॉलीमरेज को जुड़ गया तो अब क्या स्टार्ट होगा अब स्टार्ट होगा मेरा ट्रांसक्रिप्शन क्या स्टार्ट होगा? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और और एक पॉइंट और कौन से स्ट्रैंड में होता है तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड में होगा ट्रांसक्रिप्शन हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड में होगा तो अब आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन करा दिया ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हमें जीन से क्या बनाना है हमें जीन से बनाना है तो जीन जीन से बन गए मेरे ठीक है अब यही अगर मोनो या सिंगल जीन है तो उस उस ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं हम मोनोसिस्ट्रोनिक क्या कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक और यही जीन अगर बहुत सारे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन इतना क्लियर है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक अब बच्चों अब क्या होगा अब होगा कि जैसे ही मेरा आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर एरिया में आएगा जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर एरिया में आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा टर्मिनेशन मेरे ट्रांसक्रिप्शन का ठीक है अब टर्मिनेटर को और किस फैक्टर की जरूरत होती है तो टर्मिनेशन को जरूरत होती है रो फैक्टर की तो रो फैक्टर और टर्मिनेटर मिलके ट्रांसक्रिप्शन बंद करवा देते हैं जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे आएगा ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है ये समझने के लिए कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन क्या होते हैं इतना क्लियर है अब फाइनली फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा तो जब मेरा टर्मिनेट हो गया क्या ट्रांसक्रिप्शन तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा ये जो मुझे फाइनली मिल रहा है ठीक है ये क्या है ये है मेरा मैसेंजर आर क्या है ये मेरा मैसेंजर आर एन ए क्या है ये मैसेंजर आर एन ए फाइनली क्या मिला मुझे मैसेंजर आर एन ए क्लियर अब आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ले लिया चलो अब ये जो मुझे फाइनली मिला क्या मिला मैसेंजर आर एन ए ठीक है अब यहां पे बहुत सारे मिक्सर होता है ठीक है मिक्सर होता है किसका ये जो मुझे न्यूक्लियस यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस है पे पे मेरा बन रहा है जहां पे मुझे उसे ट्रांसपोर्ट करना है वो क्या है साइटोप्लाज्म ठीक है ये मेरा मैसेंजर आर है तो मैसेंजर आर थोड़ा मिक्सर है किसका इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का किसका मिक्सर है इंट्रॉन्स और एग्जॉन्स का इंट्रॉन एग्जॉन इंट्रॉन इंट्रॉन एग्जॉन ऐसे करके ये मिक्सचर है अब इसमें याद क्या रखना है कि हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना है हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना है और क्या रखना है हमें सिर्फ एग्जॉन्स रखने हैं हमें सिर्फ क्या रखने हैं एग्जॉन्स रखने हैं तो ऐसा कुछ रखना है हमें सिर्फ एग्जॉन्स की चेन रखनी है तो जिस जहां पे जिस मैसेंजर आर एन में बहुत सारे भी है और हमारे एग्जॉन्स भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं हेट्रोजेनस आर क्या कहते हैं हेट्रोजेनस आर अब हेट्रोजेनस आर को जब मैं इंट्रॉन्स को रिमूव करके सिर्फ एग्जॉन्स की चेन बनाती हूँ उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग क्या कहते हैं इसको स्प्लाइसिंग तो स्प्लाइसिंग करके मैंने इंट्रॉन्स हटा दिए ठीक है करके मैंने रिमूव कर दिए और क्या रखे ओनली एग्जॉन्स सिर्फ एग्जॉन्स रखे क्लियर अब बच्चों ये जो एम आर एन ए है ये जो एम आर एन ए मुझे मिला एग्जॉन्स का क्या मैं इसको भेज दू एम आर एन ए को गौर से देखो इस एम आर एन ए को क्या मैं भेज दू अपने साइटोप्लाज्म में अगर मैंने इस एम आर एन ए को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में भेज दिया तो मेरे साइटोप्लाज्म में क्या है आर एन एक्सो न्यूक्लियस क्या है आर एन एक्सो न्यूक्लियस ये क्या करेगा ये आर एन एक्सो न्यूक्लियस इस एम आर एन ए को खा जाएगा क्या करेगा इस एम आर एन ए को खा जाएगा तो अगर मैंने इस एम आर एन ए को डायरेक्टली भेज दिया तो मेरा पूरा प्रोटीन गड़बड़ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी अब तो मैं इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगी इस चीज से बचने के लिए मैं करूंगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इस चीज से बचने के लिए मैं करूंगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आएगा इसमें आता है कैपिंग इसमें आता है कैपिंग फिर आता है टेलिंग क्या आता है कैपिंग और फिर आता है टेलिंग कैपिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कैपिंग में हम फाइव प्राइम एंड पर थ्री मिथाइल सेवन मिथाइल गुआनोसिन की टोपी चढ़ा देते हैं क्या करते हैं हम हम फाइव प्राइम एंड पर ठीक है यहां पे कुछ फाइव प्राइम होगा कुछ थ्री प्राइम होगा ठीक है अब इस प्राइम एंड पे मैं क्या करूंगी सेवन मिथाइल ग्वानोसीन की टोपी चढ़ा दूंगी और सेवन प्राइम पे क्या और थ्री प्राइम पे क्या करूंगी थ्री प्राइम पे मैं 200 से 300, 200 से 300 एडनाइल रेसिड्यू चुपका के टेल बना दूंगी एडेनाइल रेसिड्यू की 200 से 300 की टेल बना के थ्री प्राइम एंड पे चुपका दूंगी इससे क्या हुआ इससे मेरा जो डीएनए है जो एमआरएनए मुझे फाइनली डीएनए से मिला वो एमआरएनए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बच जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बच जाएगा और फाइनली MRNA बचने के बाद जो उसका मेन था था वो था, से प्रोटीन बनना वो कंप्लीट हो पाएगा ठीक है तो अब जो मैंने टोपी जोड़ा दी और पूछ लगा दी टोपी लगाई मैंने कहा फाइव प्राइम एंड पे किसकी सेवन मिथाइल गुआनोसिन की और थ्री प्राइम एंड पे मैंने क्या करा मैंने एडिनाइल रेसिड्यूज लगा दिए यही मुझे बचाएंगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से तो अब मैंने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचा लिया अब मैं अपने एम आर एन ए को साइटोप्लाजम में भेज सकती हूं ठीक है मैंने अपने एम आर एन ए को साइटोप्लाजम में भेज दिया ये जो स्प्लाइसिंग देन कैपिंग देन टेलिंग ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्लियर चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए चलो अब आ जाओ सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि अभी तक क्या हुआ हमारे पास डीएनए है डबल स्टैंडर्ड है उसमें क्या है जब हमने डीएनए को कन्वर्ट करा किस में थ्रू दी ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन से मैंने डीएनए को कन्वर्ट करा मैसेजर आर एन ए में अब ये जो मैसेंजर आर एन ए है यहाँ पे बहुत सारे इंट्रॉन्स भी हैं एग्जॉन्स भी है इंट्रॉन्स मुझे नहीं चाहिए तो इंट्रॉन्स मैं निकाल फेंक दूंगी और क्या बचेगा मेरे पास एग्जॉन्स अब वो एग्जॉन्स में मैं पहले टोपी चढ़ाऊंगी फिर पूछ लगाऊंगी और फिर उन्हें साइटोप्लाज्म में भेज दूंगी तो यहां पे मैंने क्या करा मैंने टोपी लगाई फाइव प्राइम एंड पे किसकी सेवन मिथाइल गुआनोसिन की मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैम ने कहा था फाइव प्राइम एंड पे सेवन मिथाइल गुआनोसिन की टोपी चढ़ेगी तो टोपी चढ़ा दो ठीक है आरएनए पॉलीमरेज ने, ने फाइव नॉट एंड पे टोपी चढ़ा दी और थ्री प्राइम एंड पे टेल लगा दी फाइव पे टोपी थ्री पे टेल ठीक है चलो फिर जो मेरा हेटरोजेनस आरएनए या जो एमआरएनए में ना वो क्या था इंट्रॉन्स एक्सॉन्स हमने इंट्रॉन्स निकाल दिए स्प्लिसिंग कर दी फाइनली हमारा साइटोप्लाज्म में भेज दिया फिर क्या होगा फिर जो मेरा मेन मकसद था वो क्या था एमआरएन ए से प्रोटीन बनाना तो फाइनली मैंने क्या करा ये रहा मेरा एम आर एन ए और फाइनली क्या बन गया, प्रोटीन बन गया. तो कंप्लीट हो गया जीन एक्सप्रेशन मैम जीन एक्सप्रेशन यहां पे आके कंप्लीट हो गया अब आ जाओ कैपिंग इन यू अब देखो यू में स्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग होता है क्या वो प्रो कैरियॉर्स में होता है जल्दी बताओ क्या प्रो में होता है तो नहीं प्रो में सिर्फ एग्जॉन्स होते हैं वहां पे कैपिंग टेलिंग नहीं होता क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्रो में एग्जॉन्स होते हैं स्पाइसिंग टेलिंग कैपिंग नहीं होता क्लियर इन यू

और कहते हैं टाटा बाय बाय मत आना तो इंट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया अब एंड एग्जॉन्स एंड दिस प्रोसेस प्रोसेस दिस जब आपने इंट्रॉन्स को इंट्रॉन्स को निकाल फेंक दिया और बचे हुए एग्जॉन्स को जोड़ दिया इंट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया और बचे हुए एग्जॉन्स को जोड़ दिया इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को निकाल फेंक दिया एक्सॉन्स को जोड़ दिया क्लियर इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग अब लास्ट क्या हुआ लास्ट हुआ हमारा टेलिंग टेलिंग करते हैं हम थ्री प्राइम एंड पे ठीक है टेलिंग करते हैं हम थ्री प्राइम एंड पे आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री एमआरएनए सीरीज ऑफ एडीनिन न्यूक्लियोसाइटाइड आर एडेड टू थ्री प्राइम एंड कॉल्ड पॉली ए टेल तो थ्री प्राइम एंड को हम और क्या कहते हैं हम पॉली ए टेल भी कह सकते हैं ठीक है पॉली ए टेल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं पॉली एडीनाइलेटेल क्यों क्योंकि हम एडिनाइल एड कर रहे हैं ना तो इसलिए पॉली टेल नाउ द पॉली टेल अपीयर्स टू प्ले अ रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिग्रेडेशन ये जो टेल है ये जो मेरी पूछ है ये क्या करेगी ये ये ही तो मुझे बचाएगी किससे डिग्रेडेशन से तो पॉली टेल क्या करेगी पॉली एटेल मुझे बचाएगी प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन किससे आर एन की एक्टिविटी से किससे आर एन की एक्टिविटी से क्लियर नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड इसी के साथ मेरा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन एंड अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे से देखने हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है वो है मैगमेड ब्रेन अब लाएं अपनी खुद की वेबसाइट के साथ All you have to do is just visit जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे एक ऐसा पेज ओपन अप होगा आप अपना मीडियम सेलेक्ट करो इंग्लिश या हिंदी जैसे ही आप अपना मीडियम सेलेक्ट करोगे आपको क्लिक करना है क्लास इलेवेंथ मुस्कान मैम बायोटेक पे जैसे ही आप बायोटेक पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा पेज ओपन अप होगा जिसमें आपके पास कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू है कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, कौन से अपलोड होने वाले हैं, एंड जैसे ही आपने ये कर लिया, आपको प्ले बटन दबाना है वंस विल क्लिक ऑन द प्ले बटन आपके पास पूरी वीडियो घर बैठे अवेलेबल हो जाएगी एंड इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं फ्री एडुकेशन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए सो ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स